अब विद्वान के विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ। जो विद्वान लोग माता और पिता के सदृश सबके लिए विद्या और धन देने वाले धर्म पूर्वक आचरण करते हुए अपने समान जाति वाले तथा अन्य जनों की रक्षा करते हैं वे सबके पूजा करने योग्य होते हैं। भावार्थ उन लोगों के ही नाम प्रशंसा करने योग्य और प्रसिद्ध होवें कि जो विद्वान और अविद्वानों में मित्रता को प्राप्त होकर धर्म और अधर्म के विचार के लिए उत्तम बुद्धि सबके लिए देते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे विद्वानों आप लोग हम लोगों को न्यायाधीश और माता के सदृश अन्यायाचरण से अलग करके और सत्य धर्मयुक्त कर्मों को प्राप्त करा के संपूर्ण पृथ्वी को बहुत प्रजा और असंख्य धनयुक्त करो। भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जो धर्म सभा के अधिकृत लोगों के अधीन में वर्तमान उपदेश देने वाले सबको सत्य और असत्य का उपदेश देकर धर्मात्मा करें और उनके प्रश्नों को सुन के समाधान करें और पृथ्वी आदिकों के समीप से क्षमा आदि गुणों को ग्रहण करके अन्यों का ग्रहण करा पाखंड का नाश और धर्म को प्राप्त करा के सबको श्रेष्ठ करें। भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि सब प्राणियों से प्रथम उत्तम शिक्षा तदनंतर विद्या पुनः सत्संग से कल्याणकारक आचरण उत्तम बातों का श्रवण और उपदेश करके सबके योग अर्थात भोजन आच्छादन के निर्वाह और कल्याण को सिद्ध करें। भावार्थ जो विद्वान लोग वैद्य होकर सर्वदा औषधियों से रोगों का निवारण करके सबको रोग रहित करें और सदैव मित्रता करके राजा को चाहिए कि दुष्ट डाकू रूप कंटकों से तथा सबसे रहित सरल मार्ग बनावें कि जिन मार्गों में जाकर तथा आकर प्रजाएं बहुत धन वाली होवें। भावार्थ राजा आदि पुरुषों को चाहिए कि बुद्धि के नाश करने वाले अन्न आदि का त्याग करना कहके विज्ञान बढ़ा के लोक से वार्ताओं को सुन के सेनाओं की वृद्धि करके और शत्रुओं को जीत कर सब काल में आनंद और शोक का त्याग करें और धर्म से प्रजाओं का पालन करके विषयों में आसक्ति का त्याग करके आनंद करना चाहिए। इस सूक्त में राजा विद्वान प्रजा अध्यापक शिष्य ईश्वर श्रोता वक्ता और शूरवीर के कर्म और गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 54वां सूक्त और 27वां वर्ग समाप्त हुआ। अब तीसरे मंडल के 55वें सूक्त का आरंभ है। भावार्थ जो बिजली नामक वस्तु को प्रातः काल से सेवन करते हैं उनके सदृश वर्तमान एक द्वितीय रहित ब्रह्म प्रकृति आदि पदार्थों में व्याप्त हुआ वह सबको धारण करता है। वही सबके उपासना करने योग्य है। भावार्थ वे ही इस संसार में विद्वान जन पिता के सदृश होवें जो कि प्रकृति आदि पदार्थों में व्याप्त सर्वांतर्यामी ब्रह्म को उत्तम प्रकार जान के अन्यों को जनावें। भावार्थ मनुष्य लोग आलस्य को त्याग के पूर्व पुरुषों द्वारा किए हुए कर्मों का सेवन करके देवों के देव सबके आधार सत्य स्वरूप और दीपक से घट आदि के सदृश भीतर व्याप्त परमात्मा को साक्षात देख के अन्य जनों के प्रति उपदेश देवें। भावार्थ हे मनुष्यों जिससे प्रकाशित हुए सूर्य आदि प्रकाशित होते हैं जो अव्यक्त अर्थात प्रकृति में सबको उत्पन्न करके तथा धारण करके माता के सदृश रक्षा करता है और जो यथार्थ वक्ता विद्वानों के सत्कार करने योग्य है उस ब्रह्म की आप लोग उपासना करो। भावार्थ हे मनुष्यों जो उत्पन्न उत्पन्न हो गई और उत्पन्न होने वाली प्रजाओं में व्याप्त धारण करने वाला अंतर्यामी वर्तमान है उस परमात्मा की सेवा करो। भावार्थ हे मनुष्यों जो कुछ इस संसार में सूर्य आदि वस्तु जो इस संसार में अनेक प्रकार की रचना है
और जो विचित्र रूप स्वाद आदि वर्तमान हैं और सब अपने अपने मंडल से घूमते हैं, प्रलय से प्रथम नहीं नष्ट होते हैं, वे ये परमात्मा के कर्म हैं, यह जानना चाहिए। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो जगदीश्वर सूर्य आदि जगत को निर्माण धारण और प्रकाश करके पालन करता है और जो सर्वत्र बसता हुआ सबको अपने में बसाता है, जिस एक ही को यथार्थ बोलने वाले विद्वान लोग सेवते हैं, उस ही की सब लोग उपासना करो। भावार्थ, हे मनुष्यों, जैसे युद्ध करते हुए समीप में वर्तमान और शत्रु के नाशक वीर पुरुष के समीप में कायर मनुष्य तिरस्कृत हुए पुरुष के सदृश देखा जाता है, वैसे ही संपूर्ण शक्ति वाले अनंत परमात्मा के समीप में सूर्य आदिक जगत क्षुद्र और तिरस्कृत है। और जो जगदीश्वर विद्या के खजाने रूप चारों वेदों की वाणी के आभूषण हुओं का शासन करता है, उसी को इष्ट आप लोग मानो। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जो जगदीश्वर योगियों को वायु के द्वारा वृद्ध दूत के सदृश दूर देश में वर्तमान समाचार व पदार्थ को जानता है और अंतर्यामी हुआ अपने प्रकाश से सबको प्रकाशित और जीवों के कर्मों को जानकर फलों को देता है, अंतःकरण में वर्तमान हुआ न्याय और अन्याय करने और न करने को चिताता है, वही हम लोगों को अतिशय पूजा करने योग्य ब्रह्म वस्तु है। आप लोग भी ऐसा जानो। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जो इस संसार का उत्पन्न धारण पालन और नाश करने वाला है और सब जीवों के हित के लिए अनेक प्रकार के पदार्थों का निर्माण करता है, उस ही की आप लोग सेवा करो। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो परमेश्वर पृथ्वी और सूर्य के घूमने की व्यवस्था को न करे तो रात्रि और दिन कैसे होवें, और जिस जगदीश्वर ने पुरुषार्थ के लिए दिन और शयन के लिए रात्रि रची, उस ईश्वर का हृदय में सब ध्यान करो। भावार्थ, जो सभ्य जन परमेश्वर से डर के उसकी आज्ञा के अनुसार जैसे रात्रि और दिन संपूर्ण संसार के नियम पूर्वक पालन करता होते हैं, वैसे ही सभा में धर्म के विजय और अधर्म के पराजय से प्रजाओं को आनंदित करें। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो परमात्मा रात्रि और दिन से पृथ्वी में वर्तमान पदार्थों को शयन और जागरण प्रयोजन जिनका उन प्रकाश और अंधकार और वृष्टि से गौ के सदृश रक्षा करता है, उस ही की पूजा करो। भावार्थ, हे मनुष्यों, जैसे दिन अनेक रूपों को दिखाता है वैसे ही रात्रि सबको घेरती है, यही सत्य के कारण से उत्पन्न हुए और होने वाले को जानकर सबके बनाने वाले परमेश्वर को सुख पूर्वक जानो। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे मनुष्य लोग दो पैरों से चलते हैं वैसे ही रात्रि और दिन चलते हैं, और जैसे दिन पथ्य है वैसे रात्रि पथ्य नहीं होती है। इसी प्रकार सर्वांतर्यामी ब्रह्म को त्याग करके अन्य उपासित हुआ पथ्य नहीं होता है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे प्रथम अवस्था में वर्तमान विद्या पढ़ी हुई बाला भिन्न ब्रह्मचारिणी स्त्रियां अपने सदृश पतियों को प्राप्त होकर आनंदित होती हैं, वैसे ही सर्व विद्याओं से युक्त वाणियों को प्राप्त होकर विद्वान लोग सुखी होते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो सूर्य रात्रि के अंत और दिन के आदि में सर्व प्राणियों को निरंतर जगा के शब्द करा और व्यवहार करा के लक्ष्मियों को प्राप्त कराता है और रात्रि में चंद्र आदिकों में किरणों को रख के प्रकाश कराता, सो यह प्रकाशमान जगदीश्वर से उत्पन्न किया गया, ऐसा जानना चाहिए। अब ईश्वर के गुणों का वर्णन अगले मंत्रों में करते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जिसकी प्राप्ति में पांच प्राण निमित्त और जिसको सब योगी लोग समाधि से जानते हैं, उसी की उपासना वृत्तियों के वीरपन को उत्पन्न करने वाली है, ऐसा हम लोग उपदेश देवें।
भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य जगत का पालन करता है, वैसे ही जगदीश्वर सूर्य आदि अनेक प्रकार संसार को बनाकर रक्षा करता है। यही परमात्मा का बड़ा आश्चर्य कर्म है, ऐसा जानना चाहिए। भावार्थ कोई भी पुरुष परमेश्वर की आज्ञा पालन के बिना बड़े ऐश्वर्य को नहीं प्राप्त होता है, और यथार्थ वक्ता पुरुषों से सुने बिना परमात्मा का बोध किसी को भी नहीं प्राप्त होता है। जिससे सब लोगों को चाहिए कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके ऐश्वर्यवान होवें। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जो धर्मात्मा राजा के सदृश संसार में निवास कराता और धनुर्वेद के जानने वाले वीर के सदृश विजय दिलाता है, वही ब्रह्म हम लोगों को उपासना करने योग्य है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे जगदीश्वर, जिन आपने हम लोगों के सुख के लिए सृष्टि में अनेक प्रकार की औषधियां और जल रचे, उन आपके हम लोग उपासना करने वाले होवें और आपको छोड़ के दूसरे की उपासना कभी न करें। इस सुक्त में दिन रात्रि विद्वान अंतरिक्ष पृथ्वी राजधर्म और ईश्वर के गुण वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह ऋग्वेद की संहिता के तीसरे अष्टक में तीसरा अध्याय 31वां वर्ग और तीसरे मंडल में 55वां सुक्त समाप्त हुआ। अथ तृतीयाष्टके चतुर्थाध्यायारंभः। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्नासुव। अब 56वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में ईश्वर के गुणों को कहते हैं। भावार्थ किसी का भी सामर्थ्य नहीं है कि जो ईश्वर के किए हुए नियमों का उल्लंघन करे, और जिस परमेश्वर के भ्रम रहित सुख रूप कर्म हैं, उसी दयानिधि परमेश्वर की सब लोग उपासना करो। फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों, जिस परमेश्वर से प्रकृति आदि भूमि पर्यंत संसार रच धारण कर और उत्तम प्रकार पालन करके व्यवस्थापित अर्थात ढंग पर चलाया जाता है, वही पूज्य है, ऐसा मानो। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो जगदीश्वर बिजली के सदृश सब जगह व्यापक होके प्रकाश करता धारण करता फिर भी न्यायाधीश स्वामी अनंत महिमा से युक्त और अनादि जीवों का न्यायाधीश वर्तमान है, उससे डर के और पापों का त्याग करके प्रीति से धर्म का आचरण कर अपने अंतःकरण में सब लोग उसी का ध्यान करें। फिर भी ईश्वर के गुणों का उपदेश अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों, जो सबके सुख की कामना करता है, जिसमें सब जीव और लोकादि पदार्थ पृथक पृथक क्रीड़ा करते और त्याग करते हैं, उसको छोड़ के अन्य किसी की भी मत उपासना करो। अब सबके निवास के लिए ईश्वर ने जगत बनाया, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जिस परमात्मा ने सब प्राणी और प्राणी भिन्नों के निवास के लिए जल स्थल और अंतरिक्ष रचे, उस स्वामी की पतिव्रता स्त्री के सदृश निरंतर सेवा करो। अब ईश्वर की प्रार्थना के साथ जगत विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ हे जगदीश्वर, आप कृपा से हम लोगों को धर्म से पुरुषार्थ युक्त करके प्रतिदिन ऐश्वर्य प्राप्त कराओ और निरंतर रक्षा करके सबके सुख के लिए विभागों को कराओ। अब राज प्रस्ताव से विद्वानों के विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो राजा लोग परमेश्वर के सदृश गुण कर्म और स्वभाव युक्त हुए प्रजाओं में वर्तमान हैं, वे ही चक्रवर्ती राज्य और असंख्य धन को प्राप्त होते हैं। भावार्थ जो लोग जगदीश्वर के प्राणों के सदृश प्रिय राजा के सदृश उपदेश दाता न्यायाधीश के सदृश नायक सूर्य के सदृश अपने से प्रकाशमान
और सबका प्रकाश करता मान निरंतर भजते हैं, वे ही शत्रुओं के दुख से जीतने योग्य, सत्य के आचरण करने और अन्यों के सुख चाहने वाले हैं। वे चक्रवर्ती राज्य को प्राप्त होकर सूर्य के सदृश शोभित होते हैं और वे ही इस संसार में रक्षा के अधिकारी हों। इस सुक्त में ईश्वर, जगत और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्तार्थ के साथ संगति समझनी चाहिए। अब 6 ऋचा वाले 57वें सुक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में वाणी के विषय को कहते हैं भावार्थ। इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जो लोग अधर्म के आचरण से रहित विद्या को ग्रहण करने की इच्छा पूरी करने वाले उत्तम वाणी का प्रयोग करने और सत्य धर्म का आचरण करते हुए सबकी इच्छा को पूरी करते हैं, वे अत्यंत सत्कार करने योग्य हों। अब बुद्ध विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ। इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जो शरीर और आत्मा के बल की कामना करते हैं वे ही विद्वान हो शास्त्र और ईश्वर के बोध से युक्त वाणी में रमते हुए बिजली आदि की विद्या को प्रसिद्ध कर और विजयमान हो अतुल आनंद को पा अन्य जनों को पूर्ण आनंद उत्पन्न करते वे ही जगत के पूज्य सबके गुरु होते हैं। अब गृहाश्रम के कृत्य को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ। इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। वे ही कन्याएं सुख को प्राप्त होती हैं जो कि अपने से दुगुने विद्या और शरीर बल वाले अपने सदृश प्रेमी पति की उत्तम प्रकार परीक्षा करके स्वीकार करती हैं। वैसे ही जो पुरुष प्रेम पात्र स्त्रियों को ग्रहण करते हैं वे ही परस्पर प्रीति पूर्वक अनुकूल व्यवहार से वीर्य स्थापन और आकर्षण विद्या को जान गर्भ को धारण उसका उत्तम प्रकार पालन सब संस्कारों को करके बड़े भाग्य वाले पुत्रों को उत्पन्न कर अतुल आनंद और विजय को प्राप्त होते हैं, इससे विपरीत व्यवहार से नहीं। अब स्त्री पुरुषों के कृत्य का अगले मंत्रों में उपदेश करते हैं भावार्थ। इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जो स्त्री और पुरुष पृथ्वी और सूर्य के सदृश संयुक्त हुए वर्तमान हैं वे भाग्यशाली होते हैं। जो स्त्री और पुरुष उत्तम प्रकार परीक्षा करके स्वयंवर विवाह को करें वे मेघ के सदृश उत्तम संतानों को उत्पन्न करके सब काल में सुखी होते हैं भावार्थ। जो स्त्री और पुरुष प्रसन्नता से विवाह किए हुए विद्या बुद्धि और उत्तम वाणी से युक्त इस संसार में गृहाश्रम में वर्तमान होकर प्रेम से उत्पन्न होने वाले पुत्रों को उत्पन्न पालन और उत्तम शिक्षा युक्त करके तथा स्वयंवर विवाह कराके निवास कराते हैं वे ही गृहाश्रम में मोक्ष के सदृश सुख का अनुभव करते हैं भावार्थ। स्त्री और पुरुषों को चाहिए कि ब्रह्मचर्य से विद्या और उत्तम शिक्षाओं को प्राप्त होकर युवा अवस्था में तुल्य गुण कर्म और स्वभावों की परीक्षा करके द्विगुण बल और अवस्था वाले पति और प्रेम पात्र स्त्री को प्राप्त होकर गृहाश्रम में सुख से रहें। इस सुक्त में वाणी गृहाश्रम और स्त्री पुरुषों के कृत्य का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 57वां सुक्त और दूसरा वर्ग समाप्त हुआ। अब 9 ऋचा वाले 58वें सुक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में शिल्पी जन के काम को कहते हैं भावार्थ। इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य प्रातः कालों को उत्पन्न करता है वैसे ही आत्मा में उत्पन्न हुआ बोध पूर्ण मनोरथ को उत्पन्न कर सत्य और असत्य का प्रकाश करता है। जो विद्या धर्म से युक्त वा श्रेष्ठ वाणी जिसको प्राप्त होती है उसको सनातन ब्रह्म का बोध भी प्राप्त होता है। अब ऊर्ध्व और अधः स्थान विषयक शिल्प जनों के कृत्यों को कहते हैं भावार्थ। जैसे वायु और किरणें सूर्य आदि को पहुंचाती हैं वैसे ही उत्तम बुद्ध के सदृश वर्तमान स्त्रियां सुख को पहुंचाती हैं।
और जो विद्वान लोग मनुष्यों में पिता के सदृश वर्तमान हैं, उनके प्रति सबको चाहिए कि पुत्र के सदृश वर्ताव कर और सब व्यवहार को जान के यथावत करें। अब अग्नि आदि पदार्थ चालित यान विषयक शिल्प कृत्य को कहते हैं। भावार्थ, जो विद्वान लोग अग्नि आदि विद्या से चलाए वाहनों से व्यवहार करें, वे किस किस ऐश्वर्य को न प्राप्त होवें। भावार्थ, विद्वानों की योग्यता है कि जो प्रीति से धार्मिक उत्तम सेवक विद्यार्थी वा श्रोता जन समीप आवें, उनको उत्तम विज्ञान आदि देवें, जिससे सब मनुष्य सबके साथ मित्रों के सदृश वर्ताव करें। भावार्थ, जो लोग विद्वानों के मार्गों से पदार्थ विद्याओं का खोज करें, वे संपूर्ण विद्याओं को प्राप्त हों तथा जल स्थल और अंतरिक्ष में जा आ और लक्ष्मीवान हो, दारिद्र का तिरस्कार करके धनवान होते हुए अन्य जनों को भी ऐसे ही करें। जो शिल्पी विद्वानों के साथ और लोग परस्पर मित्रता कर तो क्या पाएं, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो विद्वान और अविद्वान लोग परस्पर मैत्री करें, वे अनादि सिद्ध कल्याणकारक ब्रह्म ऐश्वर्य और विज्ञान को प्राप्त होकर धार्मिक होते हुए दुष्ट व्यसनों का त्याग करके सदा ही सुखी होवें। अब शिल्प विद्या उपदेशार्थ आज्ञा विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, आप हिंसा आदि अधर्म व्यवहार को त्याग के वायु बिजली आदि पदार्थ विद्याओं को जान अन्य जनों के लिए विद्या आदि दे और पूर्ण ब्रह्मचर्य का सेवन करके अतिकाल जियो। अब शिल्प विद्या सिद्ध यान से जाने आने के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो लोग विमान आदि यानों को अग्नि आदि से रचते हैं, वे अभिष्ट सुखों को प्राप्त होकर जहाँ इच्छा हो शीघ्र जा सकते हैं। अब शिल्प विद्या फल को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य शिल्प विद्या से अनेक कला यंत्रों का निर्माण करके वाहन आदि को रचते हैं, वे अपने गृह कुल और देश में पूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हैं। इस सूक्त में अश्व शब्द से शिल्पी जनों का कृत्य वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 58वां सूक्त और 4था वर्ग समाप्त हुआ। अब 9 ऋचा वाले 59वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में मित्र गुणों का उपदेश करते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य लोग सत्य का उपदेश करने, सत्य विद्या देने, मित्रता रखने, सबको धारण करने वाले परमात्मा और सबके व्यवस्थापक राजा का सत्कार करते हैं, वे ही सबके मित्र हैं। अब ईश्वर और आप्त विद्वान के मित्रपन को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य यथार्थ वक्ता और स्वामी के गुण कर्म और स्वभाव के सदृश अपने गुण कर्म और स्वभावों को करके सत्य न्याय से सबको शिक्षा करते हैं, वे पाप रहित धर्मात्मा होकर यथार्थ वक्ता और स्वामी से रक्षित हुए दुष्टों के नाश तथा पराजय को प्राप्त नहीं हो सकते और न वे दूर वा समीप से पक्षपात से पाप का सेवन करते हैं। भावार्थ, जो लोग परमेश्वर और यथार्थ वक्ता पुरुषों के साथ मित्रता कर और क्षमा आदि विद्या न्याय के प्रकाश आदि गुणों का स्वीकार करके धर्मयुक्त मार्ग में वर्तमान हैं, वे ही परमेश्वर और यथार्थ वक्ता पुरुषों के लिए प्रिय होते हैं। भावार्थ, जैसे ईश्वर और यथार्थ वक्ता पुरुष धर्म में वर्तमान हुए नमस्कार करने के योग्य होते हैं, वैसे ही न्याय और विनय से राज्य के पालन करता राजा लोग सत्कार करने योग्य होवें और जैसे सज्जन लोग परमेश्वर और यथार्थ वक्ताओं के कर्मों में वर्तमान हैं, वैसे ही हम लोगों को चाहिए कि वर्ताव करें। अब मित्र के लिए प्रिय पदार्थ देने को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। वे ही पूज्य सूर्य के सदृश विद्या और धर्म के प्रकाश करने वाले यथार्थ वक्ता विद्वान लोग हैं,
कि जो उत्तम गुण और कर्मों में सबको प्रेरणा करें, जैसे ऋत्विक अर्थात ऋतु ऋतु में हवन करने वाले लोग अग्नि में अच्छे बनाए हुए हवि अर्थात होम करने योग्य पदार्थ को होम से संसार को प्रसन्न करते हैं, वैसे ही उत्तम गुणों से युक्त विद्यार्थी जनों में विद्या और धर्म को अच्छे प्रकार स्थापन करके सब मनुष्य आदि प्राणियों को सुखी करते हैं। अब प्रजा मित्र राजा के गुणों को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो लोग अनादिकाल से सिद्ध विद्या धन का ग्रहण करके संपूर्ण प्रजाओं की रक्षा करते हैं, वे इस लोक और परलोक में सुख को प्राप्त होते हैं। अब मित्रपन से ईश्वर के पदार्थ रचन और ईश्वर सेवन को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो बड़े सामर्थ्य से सूर्य और पृथ्वी आदि विस्तार सहित संसार को रच और अंतर्यामी रूप से सबको जान और धारण करके नियम में लाता, वही उपासना करने योग्य है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे रोके गए प्राण वायु इंद्रियों को रोकते हैं, वैसे ही योगी जन समाधि से परमात्मा को प्राप्त होते हैं। अब मित्रत्व से ईश्वरोपासना विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो परमात्मा अन्याय से रहित भक्त मनुष्यों को सिद्ध इच्छा वाले करता है, वही सब लोगों को ध्यान करने योग्य है। यह 59वां सूक्त और 6ठा वर्ग समाप्त हुआ। अब 7 ऋचा वाले 8वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में राज विषय का उपदेश करते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य इस संसार में सबके साथ भाईपन करके बुद्धि और धन से सुख बढ़ाते, वे पूर्ण मनोरथ वाले होते हैं। फिर उसी राज शिक्षा विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जैसे बुद्धिमान लोग यहाँ वर्ताव करें, वैसे ही वर्ताव करके विद्वान होवो। भावार्थ, जो लोग परमेश्वर में प्रीति और उसकी आज्ञा के भंग होने से भय तथा धर्म का आचरण करते हैं, वे ही मोक्ष पदवी को प्राप्त होते हैं। भावार्थ, जो विद्वान होकर धर्मयुक्त आचरण से प्रयत्न करते हैं, वे लक्ष्मीवान और अतुल धनों को प्राप्त होकर पराक्रमों को बढ़ाते हैं। भावार्थ, राजा को चाहिए कि बुद्धिमान जनों के सहित प्रजाओं की रक्षा और न्याय से ऐश्वर्य की वृद्धि करके तथा राज्य के कर देने वालों को आनंदित करके नायकों के साथ प्रजाओं को सदैव आनंदित करें। भावार्थ, हे राजन, आप सदा धर्मात्मा और बुद्धिमानों के संगी और मूर्खों के संग के त्यागी होकर एक क्षण भी व्यर्थ व्यतीत न करो, और जैसे यथार्थ वक्ता पुरुष पक्षपात का त्याग करके सबके साथ कपट रहित वर्ताव करते हैं, वैसा ही वर्ताव करो। अब राज प्रसंग से अमात्य और प्रजाकृत्य को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे राजन, आप इस राज्य में मनुष्यों के हित के लिए असंख्य उत्तम कर्मों को करके धार्मिक मंत्री जन और उपदेशकों के साथ यथार्थ वक्ता पुरुषों से की हुई प्रशंसा को प्राप्त होकर अगले जन्म में भी मोक्ष को प्राप्त होइए। इस सूक्त में राजा मंत्री और प्रजा के कृत्य वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 60वां सूक्त और 7वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 7 ऋचा वाले 61वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में प्रातः काल की वेला की उपमा से स्त्री के गुणों को कहते हैं। भावार्थ, हे स्त्रियों, जैसे प्रातः वेला संपूर्ण प्राणियों को जगा के कार्यों में प्रवृत्त करती है, वैसे ही पतिव्रता होकर पतियों के साथ अनुकूलता से वर्त कर प्रशंसित होवो। फिर उसी विषय को प्रकारांतर से अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, जैसे चंद्रमा रूप रथ वाली प्रातः काल की वेला तेजह स्वरूप होकर सबको जगाती है, वैसे ही उत्तम पंडिता स्त्रियां अपने अपने पति को सेवा और विनय से सुशील करती हैं। भावार्थ, हे उत्तम स्त्रियों, जैसे प्रातः काल संपूर्ण भुवनों के खंडों को प्रकाशित करते हैं, वैसे ही उत्तम व्यवहारों को प्रकाशित करो।
भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे स्त्रियों, जैसे दिन का संबंधी प्रातः काल है, वैसी ही छाया के सदृश अपने अपने पति के साथ अनुकूल होकर वर्ताव करो। और जैसे यह प्रकाश पृथ्वी के योग से होता है, वैसे पति और पत्नी के संबंध से संतान होते हैं। भावार्थ, जैसे प्रातः काल को सेवन करते हुए लोग उत्तम बल को प्राप्त होते हैं, वैसे ही स्नेह पात्र पतिव्रता स्त्री को प्राप्त होकर पुरुष शरीर आत्मबल और आरोग्यपन को प्राप्त होते हैं, जिससे दोनों के सदृश होने पर प्रेम बढ़े। अब प्रातः वेला ही के गुणों को कहते हैं भावार्थ। जो लोग रात्रि के चौथे प्रहर में जाग के ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करके उत्तम गुणों और ऐश्वर्य को मांगते हैं, वे पुरुषार्थ से अवश्य इसको प्राप्त होते हैं। अब बिजली और शिल्पियों के गुणों को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ। जैसे विद्वानों की वाणी और बुद्धि ऐश्वर्य को देने वाली हो और विद्याओं में प्रवेश करके सुखों को देती है, वैसे ही सर्वत्र प्रविष्ट हुई बिजली जानी हुई कार्यों में प्रयुक्त होकर ऐश्वर्य को उत्पन्न करती है। इस सुक्त में प्रातः काल स्त्री बिजली और शिल्प जनों के गुण वर्णन से इसके अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 61वां सुक्त और अष्टम वर्ग समाप्त हुआ। अब 18 ऋचा वाले 62वें सुक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में मित्र अध्यापक और उपदेशकों के विषय को कहते हैं भावार्थ। जो अध्यापक और उपदेशक लोग वायु और बिजली के सदृश उपकार करने वाले कीर्ति से युक्त और प्रिय आचरण करने वाले होवें, उनके लिए स्नेह से अन्न आदि देना और उनके साथ सदा ही मित्रता की रक्षा करनी चाहिए। फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ। जैसे राजा अध्यापक और उपदेशक लोग सबके रक्षा वृद्धि और विद्या में प्रवेश होने के लिए शिक्षा करते हैं, वैसे ही परस्पर की प्रशंसा से पृथ्वी आदिकों में ऐश्वर्यों को प्रयत्न से प्राप्त करके परस्पर में प्रीति वाले सब मनुष्य होवो। अब अगले मंत्रों में अध्यापक के विषय को कहते हैं भावार्थ। हे अध्यापक उपदेशक और राजा लोगों, जैसे हम लोग धनी लक्ष्मीवान और विद्वान होवें, वैसे ही हम लोगों को प्रेरणा करो। भावार्थ हे अध्यापक, आप हम लोगों के लिए विद्याओं का सेवन करो। और हे राजन, आप विद्या देने वाले के लिए उत्तम धन दीजिए। अब अगले मंत्रों में मित्र के विषय को कहते हैं भावार्थ। जो मनुष्य वेदार्थ के जानने वाले अध्यापक और उपदेशकों का नमस्कार और सत्कार करते हैं, वे पवित्र विद्वान हुए बल को प्राप्त होते हैं। भावार्थ जैसे राजा का सत्कार करके प्रजाजन ऐश्वर्यवान होते हैं, वैसे ही राजा लोग प्रजाओं का सत्कार करके कीर्तियुक्त होते हैं। अब अगले मंत्र में विद्वानों के विषय को कहते हैं भावार्थ। जो मनुष्य धर्म संबंधी कर्मों के करने से यशस्वी हैं, उनको सुन और देख के सब लोग प्रसन्न होवो। अब अगले मंत्र में पठन विषय को कहते हैं भावार्थ। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्य लोग जैसे स्त्री की कामना करने वाले अपनी अपनी प्रेम पात्र पत्नी की रक्षा और सेवा करते हैं, वैसे ही शास्त्र से युक्त वाणी का सेवन करके बुद्ध की निरंतर सेवा करें। अब अगले मंत्रों में परमात्मा के विषय को कहते हैं भावार्थ। जो सबका रचने देखने और कर्मों के फल देने वाला न्यायाधीश ईश्वर है, वही हम लोगों की रक्षा करने और वृद्धि करने वाला होवे, ऐसी हम सब लोग अभिलाषा करें। भावार्थ जो मनुष्य सबके साक्षी पिता के सदृश वर्तमान न्यायेश दयालु शुद्ध सनातन सबके आत्माओं के साक्षी परमात्मा की ही स्तुति और प्रार्थना करके उपासना करते हैं, उनको कृपा का समुद्र सबसे श्रेष्ठ
परमेश्वर दुष्ट आचरण से पृथक करके श्रेष्ठ आचरण में प्रवृत्त करा और पवित्र तथा पुरुषार्थ युक्त करके धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त कराता है। भावार्थ, मनुष्य लोग जो बुद्धि को बढ़ा पुरुषार्थ से धर्म का अनुष्ठान कर और परमेश्वर की आज्ञा के अनुकूल वर्ताव करके अपनी बुद्धि के लिए प्रार्थना करें तो ईश्वर उनको शीघ्र पवित्र और शुद्ध आचरण युक्त करता है। भावार्थ, जो इंद्रियों को वश में करने वाले विद्वान लोग प्रेम और सत्य भाषणादि स्वरूप धर्म से परमेश्वर की उपासना करते हैं वे सुख से युक्त होते हैं। भावार्थ, जो विद्वान इस अनेक प्रकार के स्वरूप वाले संसार के कारण अव्यक्त को जानता है और इस संसार के रचने वाले परमात्मा की प्रशंसा करता है वही ऐश्वर्य से युक्त होता है। अब इस अगले मंत्र में विद्वान के विषय को कहते हैं। भावार्थ, जो वैद्य लोग सब दो पैर वाले अर्थात मनुष्य आदि और चौपाए गौ आदिकों को रोग रहित करें वे सब लोगों को मान करने योग्य होवें। अब इस अगले मंत्र में मित्रता के विषय को कहते हैं। भावार्थ, जो धार्मिक शूरवीर पुरुष शत्रुओं का नाश मित्रों की रक्षा करके सब सज्जनों की जीवन और विजय से वृद्धि करते हैं उनके साथ सदैव मैत्री की सब लोगों को रक्षा करनी चाहिए। अब अगले मंत्रों में अध्यापक और उपदेशक के विषय को कहते हैं। भावार्थ, जो पढ़ाने और उपदेश देने वाले से उपदेश की गई प्राण अर्थात पवन संबंधी विद्या को जानकर लोक लोकांतर अर्थात एक देश से दूसरे देश के व्यवहार से संपूर्ण देशों में आना जाना सिद्ध करते हैं वे जल के सदृश शुद्ध अंतःकरण वाले जानने योग्य हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो पवित्रता से युक्त यशस्वी जन बल ऐश्वर्य और अन्न आदि की वृद्धि और बड़े श्रेष्ठ कर्मों से लोकों में प्रकाशित होते हैं उनकी ही सेवा और सत्कार करो। भावार्थ, वे ही अध्यापक और उपदेशक होने योग्य हैं कि जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से पृथ्वी को लेकर परमेश्वर पर्यंत पदार्थों का साक्षात्कार करके सत्य विद्या के आचरण की वृद्धि जिनको प्रिय जो धर्मयुक्त मार्ग में जावे वे सत्कार करने योग्य होवें। इस सुक्त में मित्र अध्यापक पढ़ने वाले श्रोता उपदेशक परमात्मा विद्वान प्राण और उदान आदि के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति है ऐसा जानना चाहिए। यह तीसरे मंडल में 62वां सुक्त 5वां अनुवाक तीसरे अष्टक में 11वां वर्ग और तृतीय मंडल समाप्त हुआ। अथ चतुर्थम मंडलम। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद् भद्रं तन्न आसुव। अब चतुर्थ मंडल में 20 ऋचा वाले प्रथम सूक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में वाणी विषय को कहते हैं। भावार्थ, जो अध्यापक और राजा भौहें टेढ़ी करके विद्यार्थी मंत्री और प्रजाजनों को प्रेरणा करे जो उत्तम श्रेष्ठ विद्वान और धार्मिक होते हैं जो मरण धर्मा वालों में मरण धर्म रहित अपने प्रकाश स्वरूप परमात्मा की उपासना करके सब मनुष्यों को बुद्धिमान विद्वान करते हैं वे ही सब काल में सत्कार करने योग्य और सुखी होते हैं। अब इस अगले मंत्र में वाणी के विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे अध्यापक व राजन, आप श्रेष्ठ श्रोत्रजन व मंत्रियों को उत्तम मत और सत्य आचरण से संयुक्त करके संगत कर्मों का सेवन कराओ और सूर्य के सदृश विद्या न्याय का प्रकाश निरंतर करो। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, आप लोग सब लोगों के साथ मित्र होकर जैसे घोड़े रथ को ले चलते हैं वैसे मित्रों को उत्तम कर्मों में प्रवृत्त करो और श्रेष्ठ मार्ग के सदृश हम लोगों को सरल मर्यादा में पहुंचाइए। जो लोग संसार में सूर्य के सदृश उत्तम गुणों से युक्त हुए सबके आत्माओं को प्रकाशित करके सुख को उत्पन्न करें वे हम लोगों से सत्कार करने योग्य होवें।
भावार्थ वे ही विद्वान जन हैं जो श्रेष्ठ विद्वान पुरुष का अनादर नहीं करते हैं और वे ही अध्यापक और उपदेशक कल्याणकारी होते हैं जो हम लोगों के दोषों को दूर करके पवित्र करते हैं वे ही हम लोगों से सत्कार करने योग्य हैं। भावार्थ वही अध्यापक व राजा श्रेष्ठ है जो उत्तम शिक्षा से हम लोगों की प्रातः काल के सदृश रक्षा करे दुष्ट आचरण से अलग करके श्रेष्ठ आचरण करावे। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जिन राजादिकों के अग्नि से तपाए गए स्वच्छ घृत के समान विद्वान की उत्तम शिक्षित वाणी के मधुर वचनों के समान वचन और परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के समान गुण कर्म स्वभाव हैं। वे अति आश्चर्य रूप ऐश्वर्य राज्य और अद्भुत कीर्ति को प्राप्त होते हैं। अब अग्नि के दृष्टांत से विद्वानों के गुणों को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है वही उत्तम कुल में उत्पन्न होता है कि जिसके उत्तम कर्म हों और जैसे बिजली अग्नि आदि सीमा रहित अंतरिक्ष में शोभित होता है वैसे ही जो अनंत जगदीश्वर का ध्यान करके सब ज्ञान वाला शुद्ध युक्त होकर संपूर्ण उत्तम प्रशंसा करने योग्य कर्मों के करने को समर्थ होता है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक लुप्तोपमा अलंकार है जैसे दूत जन राजाओं के हित करने की इच्छा करते हैं वैसे ही जो राजा जन प्रजा का हित निरंतर करते हैं वे राजा और सभासद पुण्य के भजने वाले होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे यथार्थवादी अध्यापक और उपदेशक लोग उत्तम शिक्षा से विद्यार्थियों के लिए धर्मयुक्त मर्यादा को प्राप्त कराते हैं वैसे ही राजनीति की शिक्षा से राज के लिए राजधर्म के मार्ग को प्राप्त करो और जो मंत्री और प्रजा के सहित राजा व्यसन रहित होकर प्रीति से राजधर्म को करता है वह ऐश्वर्य युक्त जन और राज्य को प्राप्त होकर सुख से निवास करता है। भावार्थ हे राजा आदि मनुष्यों जैसे सब जगत का पालन और उत्पन्न करने वाला परमात्मा दया से सब जीवों के सुख के लिए अनेक प्रकार के पदार्थों को रच और दे के अभिमान नहीं करता है वैसे ही आप लोग होइए और ईश्वर के उत्तम गुण कर्म और स्वभावों के तुल्य अपने गुण कर्म और स्वभावों को करके राज्य आदि का पालन करके अंत में मोक्ष को प्राप्त होवो। अब अगले मंत्रों में अग्निपद से परमात्मा के विषय को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे अंत रहित आकाश में प्रकृति से महत्तत्व अर्थात बुद्धि आदि के क्रम से यह संसार उत्पन्न हुआ इस संसार में अवयवों से रहित मिले हुए जीव परमात्मा के समीप में वर्तमान हो गृहों में उत्पन्न होते शरीर को धारण करते और त्यागते हैं उस सब जगह के स्वामी का हृदय में ध्यान कर सुखी होइए। भावार्थ हे मनुष्यों जैसे प्राण और अंतःकरण कार्य के साधक और प्रिय होते हैं वैसे ही पुरुषार्थ से कार्य और कारण जानकर और परमेश्वर का ज्ञान करके प्रथम अवस्था में शरीर और आत्मा के बल को प्राप्त होकर सुखों को उत्पन्न करो। भावार्थ हे मनुष्यों जो लोग आप लोगों के पालन करने वाले ब्रह्मचर्य को धारण करके जैसे सूर्य की किरणें मेघों को वर्षाती हैं वैसे ही बुलाए हुए सत्य का प्रकाश करते हैं उनका जो सत्कार करता है वह भाग्यशाली होता है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जो वेद उपवेद अंग और उपांगों के पार जाने और शिल्प विद्या के जानने वाले विद्वान लोग कृपा से सबको उत्तम प्रकार शिक्षा का उपदेश करके विद्या युक्त करें वे सब लोगों से सत्कार करने योग्य होवें। भावार्थ जैसे किरणें मेघ को ऊपर को प्राप्त करती और वर्षाती हैं
वैसे ही विद्वान जन विचार से दृढ़ ज्ञान को उत्पन्न करते हैं। भावार्थ जैसे काम धेनु दुग्ध आदि से इच्छा को पूर्ण करती है, वैसे ही विद्या और उत्तम शिक्षा से युक्त वाणी विद्वानों को प्रसन्न करती है। जो लोग धर्म का आचरण करते हैं वे यशस्वी होकर सर्वत्र प्रसिद्ध होते हैं। अब सूर्य के दृष्टांत से आत्मा के बल की रक्षा को कहते हैं। भावार्थ जैसे सूर्य प्रातः वेला से रात्रि का निवारण करके प्रकाश को उत्पन्न करता है, वैसे ही अध्यापक और उपदेशक व्याप्त भी पदार्थों को देख के नम्रता से मनुष्यों में शरीर आत्मा के बल को बढ़ावे। अब वाणी के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ जो लोग ब्रह्मचर्य से विद्या उत्तम शिक्षा सत्य और धर्माचरणों को धारण करके अन्य जनों के प्रति उपदेश देते हैं वे बुद्धि को बढ़ा के सर्वत्र प्रसिद्ध होके आनंद से घरों में रहते हैं। अब बिजली के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि जैसे बिजली समान रूप हुई सबकी रक्षा करती है और विरूप होने पर नाश करती, वह किरणों का नाश नहीं करती और अन्न के सदृश पालन करने वाली होकर सबको चलाती है, ऐसा जाने। फिर उक्त विषय को सूर्य के संबंध से भी कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों जैसे यज्ञ के सुगंधित धूम से शुद्ध हुआ अंतरिक्ष पूर्ण विद्या युक्त यथार्थ वक्ता उपदेश देने वाला पुरुष और सूर्य सुख देने वाले होते हैं, वैसे ही आप लोग सबों के लिए सुख देने वाले होइए। इस सुक्त में विद्वानों से जानने योग्य अग्नि वाणी सूर्य बिजली आदिकों के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह प्रथम सुक्त और 15वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 20 ऋचा वाले दूसरे सुक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम द्वितीय मंत्र में यथार्थ मानने वाले पुरुषों के कृत्य को कहते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों जो जगदीश्वर उत्पत्ति और नाश आदि गुण रहित होने से दिव्य स्वरूप शुद्ध और पवित्र है, उसका प्रेरणा और पवित्रता से भजन करो। भावार्थ हे मनुष्यों जैसे मध्य में अग्नि सबका पालन और नाश करने वाला है, वैसे ही इस संसार में विद्वान पुत्र तो पालन करने वाला और मूर्ख विनाश करने वाला होता है, जिससे दीर्घ ब्रह्मचारी से अपने संतानों को उत्तम करके कृतकृत्यता अर्थात जन्म साफल्य जानो। अब अगले मंत्रों में प्रजा के कृत्य का वर्णन करते हैं। भावार्थ जो मनुष्य लोग वायु और अग्नि को जलों के साथ वाहन के यंत्रों में संयुक्त करके चलाते हैं तो वेग और प्रहरण नामक जल और भाप के गुण मन के सदृश वाहन आदिकों को चलाते हैं। भावार्थ हे विद्वन आप अग्नि और जलादि पदार्थों को उत्तम प्रकार जान के और कार्यों में संयुक्त कर प्रत्यक्ष करके अन्य जनों के लिए उपदेश दीजिए, जिससे कि सब लोग धन धान्य और सुखों से युक्त होवें। अब राजा के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ मनुष्यों को वही सभाध्यक्ष करना चाहिए कि जो गौवों भेड़ों और घोड़ों का पालक और दूसरों से नहीं भय करने और दुष्ट जनों के दूर करने वाला अच्छे प्रबंध से युक्त तथा प्रजा वाला हो। अब अगले मंत्र में राज विषय को कहते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों जो लोग आप लोगों के प्रताप शरीर और राज्य की रक्षा करके दुष्टों का सब प्रकार नाश करते हैं उनकी निरंतर रक्षा करो, श्रेष्ठ जन के कर्तव्य के विषय को कहते हैं। भावार्थ जो मनुष्य जिन मनुष्यों का जैसा उपकार करें उन मनुष्यों को चाहिए कि उनका वैसा उपकार करें। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों जो लोग दिन और रात्रि आपका उत्साह बढ़ावें उनको आप लोग घास आदि से घोड़ों को जैसे वैसे आनंद देओ। भावार्थ हे मनुष्यों आप लोगों में जैसे लोग प्रीति करते हैं वैसे ही उनमें आप लोग स्नेह करें,
भावार्थ जो जिसके सुख को साधे उस पुरुष को चाहिए कि उस उपकार करने वाले पुरुष को भी सुख देवे। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है, जैसे ऊंट आदि पीठों से भार को लेके चलते हैं वैसे ही बलवान पुरुष सब व्यवहार के भार को धारण करते हैं, और व्यवहार में जिनका खंडन और जिसका मंडन करने योग्य होवे वह उसका वैसा ही करना चाहिए। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है, हे मनुष्यों जो अध्यापक और उपदेशक लोग बुद्धिमान पुरुषों को पढ़ाते और उपदेश देते हैं उनका सदा ही सत्कार करो, जिससे कि मनुष्य लोग आश्चर्य युक्त गुण कर्म और स्वभाव वाले हों। अब अगले मंत्र में राजा के विषय को कहते हैं। भावार्थ हे राजन, जो धार्मिक शूरवीर विद्वान लोग शत्रु के बल के उल्लंघन करने परस्पर पदार्थों के घिसने से बिजली आदि की विद्या के प्रकाश करने और मनुष्यों की रक्षा करने वाली मंत्री आदि नौकर होवें उनके लिए ऐश्वर्य निरंतर धारण करो। अब प्रजा जन के कृत्य को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है, मनुष्यों को चाहिए कि आलस्य त्याग के शरीरादिकों के पुरुषार्थ को सदा ही करके प्रजा और राज्य का धर्म से नियम करें, जिससे सब लोग धनयुक्त होवें। अब अगले मंत्रों में राजा के विषय को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है, जो राजा लोग बुद्धिमान मंत्रियों का सत्कार करके रक्षा करते हैं वे सूर्य के सदृश प्रकाशित यश वाले होते हैं, और सभी काल में उद्यमियों की रक्षा और दुष्टों का निरंतर ताड़न करें, जिससे कि सब शुद्ध आचरण वाले हों। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है, जो राजा और राजपुरुष प्रजाओं में पिता के सदृश वर्ताव करके सत्य न्याय का प्रकाश कर और अविद्या को दूर करके प्रजाओं को शिक्षा देते हैं वे पवित्र गिने जाते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है, सब मनुष्यों को चाहिए कि धर्मयुक्त कर्मों को करके विद्या और सभा में प्रीति उत्पन्न करके पवित्रता की कामना करते हुए विद्या और जन्म के बढ़ने वाले बिजली आदि की विद्या को बढ़ाते हुए चक्रवर्ती राज्य करके आनंद का निरंतर भोग करें। अब राजा के विषय को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है, जो मनुष्यों के मध्य में राजा का जन्म वह बड़े पुण्य से उत्पन्न हुआ ऐसा जानना चाहिए। जो राजा विद्यमान न हो तो कोई भी स्वस्थता को प्राप्त हो, और जैसे मेघ के समीप से सबका जीवन और वृद्धि होती है वैसे ही राजा के समीप से सब प्रजा के वृद्धि और जीवन होता है। भावार्थ हे राजन, जैसे सूर्य से उत्पन्न प्रातः काल सबको शोभित करता है वैसे ही ब्रह्मचर्य से हुए विद्वान हम लोग आपकी आज्ञानुकूल जैसे वर्तें वैसे ही आप हम लोगों का हित निरंतर करो, और सब हम लोग परस्पर मेल करके और अन्याय दूर करके धर्म संबंधी कर्मों को प्रवृत्त करें। भावार्थ राजा को चाहिए कि यथार्थ वक्ता ही पुरुषों के वचनों को सुन और उत्तम प्रकार विचार कर सेवन करे, उन यथार्थ वक्ता पुरुषों के लिए प्रिय वस्तुओं को देकर वे निरंतर संतुष्ट करने योग्य हैं। इस प्रकार राजा और यथार्थ वक्ता पुरुषों की सभा सब मिलकर सब कर्मों को सिद्ध करें। इस सुक्त में राजा प्रजा और यथार्थ वक्ता पुरुष के कृत्य वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह द्वितीय सुक्त और 19वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 16 ऋचा वाले तीसरे सुक्त का वर्णन है। उसके प्रथम मंत्र से सूर्य रूप अग्नि के दृष्टांत से राजा प्रजा जनों के कृत्य का वर्णन करते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे विद्वान लोगों, राजा और प्रजा जनों के साथ एक सम्मति करके जैसे ईश्वर ने ब्रह्मांड के मध्य में सूर्य को स्थित करके सबका प्रिय सुख साधन किया वैसे ही हम लोगों के मध्य में
उत्तम गुण कर्म और स्वभाव युक्त को राजा करके हम लोगों के हित को आप लोग सिद्ध करो, जिससे आप लोगों का भी प्रिय सिद्ध होवे। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। राजा को चाहिए कि ऐसा गृह बनावे जो कि पतिव्रता सुंदरी मन की प्यारी स्त्री के सदृश सब ऋतुओं में सुख देवे, और वहां स्थित हुआ ऐसे कर्म करे कि जिन कर्मों से अपनी प्रजा अनुरक्त होवे। भावार्थ, वही राजा उत्तम होता है जो मोह आदि दोषों से रहित होकर सब वचनों को सुनने, सत्य और असत्य को देखने और मेघ के सदृश प्रजा में अनेक प्रकार का भोग प्राप्त कराने वाला न्यायाधीश होवे। भावार्थ, हे राजन, आप जब प्रजा के सत्य न्याय को करेंगे, तब ही आपकी आज्ञा के अनुकूल वर्ताव करके प्रजा एक सम्मति से होगी। अब उपदेशक के विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, हे विद्वानों, जो राजा श्रेष्ठ वा विद्वानों की निंदा करे, वह आप लोगों से रोकने योग्य है, और सब राज कर्मों की सिद्धि के लिए समय व्यवस्था करनी चाहिए, और जब जब जो जो कर्म करना हो तब तब वह वह कर्म करना चाहिए। इस प्रकार राजा को उपदेश करना चाहिए। जब मित्र द्रोह का आचरण करे, तभी उसको शिक्षा देनी चाहिए। ऐसा करने पर राजा और प्रजा दोनों की निरंतर उन्नति होवे। भावार्थ, राजा आदि अध्यक्षों के प्रति अध्यापक, उपदेशक और मंत्री जन ऐसा उपदेश देवें कि आप लोग बुद्धि के कामों में वृद्ध, बलिष्ठ, उत्तम आचरण वाले, सत्यवादी और दुष्ट पुरुषों के नाश करने वाले कब होवोगे, और उत्तम आचरण करने और दुष्ट आचरण के त्याग में विलंब ना करो। अब विद्यार्थियों की परीक्षा विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, अध्यापक लोगों को विद्यार्थियों को पढ़ा के प्रत्येक अठवाड़े, प्रत्येक पक्ष, प्रतिमास, प्रति छमाही और प्रतिवर्ष परीक्षा यथा योग्य करनी चाहिए, जिससे कि राजकुमारादि सब भ्रम रहित, ज्ञान विशिष्ट, उत्तम स्वभाव युक्त शरीर और आत्मा के बल सहित धर्मिष्ठ 100 वर्ष जीने और न्याय से राज्य के पालन करने वाले हुएं। अब अगले मंत्र में राज विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो राजा लोग वायु के सदृश अपने बल को बढ़ाते, योद्धा लोगों के शिक्षक और परीक्षकों का सत्कार करते और प्रश्नोत्तर से सबको जान उनके द्वारा कार्य सिद्ध करते हैं, वे सूर्य के सदृश ऐश्वर्य के प्रकाशक होते हैं। कब मनुष्यों को ब्रह्मचर्य आदि से पुरुषार्थ सेवना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य से विद्या और उत्तम शिक्षा को प्राप्त होके और धर्मयुक्त व्यवहार से धर्म का अन्वेषण और इंद्रिय जित होने से नियम से भोजन करने वाले होकर पुरुषार्थ करते हैं, वे स्नेही स्त्री और पुरुष के सदृश आनंदित होकर सब प्रकार वृद्धि को प्राप्त होते हैं। फिर भी पुरुषार्थ कर्तव्यता को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे पृथ्वी के अर्ध भाग में बिजली सूर्य रूप से शोभित होती है और दूसरे भाग में रात्रि के समय छिपी हुई चलती है, वैसे ही शयन और जागरण नियम से कर और पुरुषार्थ करके वीर्य बढ़ा के 100 वर्ष की अवस्था युक्त हुए सबको आनंद दीजिए। अब राजा आदि क्षत्रियों के लिए उपदेश अगले मंत्र में करते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जो राजा आदि वीर क्षत्रिय जैसे पवन से युक्त बिजलियां मेघ को इधर उधर चलाए और तोड़ पृथ्वी पर गिर के सबको सुख देती हैं और दूसरी बिजली का बिडोलन करके सूर्य को उत्पन्न करती हैं, वैसे ही दुष्ट पुरुषों का नाश और न्याय का प्रकाश, बुद्धि का बिडोलन और विद्या को उत्पन्न करके सूर्य के सदृश प्रकाशमान हुए अतुल सुख को प्राप्त हो। अब संग दोष, अदोष,
और रक्षा विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ। इस मंत्र में उपमा वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे शुद्ध जल सुखकारी और अशुद्ध दुख देने वाले होते हैं, वैसे ही उत्तम गुणों का संग आनंददायक और दोषों का संग दुख देने वाला होता है। और जैसे ऐश्वर्य युक्त धार्मिक जन कृपा से बुभुक्षित आदि का पालन करता, वैसे ही सज्जन लोग सबकी रक्षा करते हैं। अब बुद्धिमानों के बुद्धिमत्ता विषय को कहते हैं भावार्थ। उन्हीं लोगों को बुद्धिमान समझना चाहिए कि जो अन्याय से किसी का वस्तु दुष्ट वेश हिंसा करने वाले का संग, न्याय से प्राप्त हुए धन का व्यर्थ खर्च, दुष्ट बंधु का संग और शत्रु का विश्वास नहीं करके आनंद का भोग करें। अब राज्य पालन विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ। वे ही राजा लोग यश के भागी हैं कि जो दुष्ट पुरुषों की दुष्टता को दूर कर और श्रेष्ठ पुरुषों की श्रेष्ठता बढ़ा के राज्य का निरंतर पिता के समान, अर्थात पिता अपने पुत्र की पालना करता है, वैसे पालन करें। भावार्थ, हे राजन, आप यथार्थ वक्ता विद्वानों का संग निरंतर करिए और उनके उपदेश से न्याय पूर्वक राज्य का पालन करके प्रशंसित होइए। अब प्रजा विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ। वही निश्चित प्रशंसा जानने योग्य है कि जो धार्मिक विद्वानों से की जाए। अध्यापक और उपदेशक जनों को चाहिए कि पढ़ने और उपदेश देने वालों को सदा ही सत्यवादी और विद्वान करें। इस सुक्त में अग्नि, राज और प्रजादिकों के कृत्य और गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह तीसरा सुक्त और 22वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 15 ऋचा वाले चौथे सुक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में राज विषय में सेनापति के काम को कहते हैं भावार्थ। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे राज संबंधी जनों, आप लोग पृथ्वी सदृश दृढ़ बल करके राजा के सदृश न्यायाधीश होकर पिपाशित मृगी के पीछे दौड़ते हुए, भेड़िये के सदृश दुष्ट डाकू जो कि अनुधावन करते, अर्थात जो कि पथिकादिकों के पीछे दौड़ते, उनका नाश करो। अब राज विषय में सामान्य से राजजनों के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ। जो राजजन पूर्ति वाले होते हुए शीघ्र कार्यकारी हों, वे अखंडित वीर्य अर्थात पूर्ण बल वाले होकर बिजली के प्रयोगों और ब्रह्मास्त्र आदि अस्त्रों को शत्रुओं के ऊपर कर विजय को प्राप्त हों। फिर राज विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ। हे राजन, आप उत्तम गुणों को ग्रहण करके और प्रजा का पालन करके जो दूर और समीप में वर्तमान डाकू आदि दुष्ट पुरुष, उनका नाश करो जिससे सबको सुख हो। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि आलस्य त्याग के पुरुषार्थ का विस्तार करके शत्रुओं को जलावें और अंधकूप के सदृश कारागृह में उसका बंधन करें और नीचता को प्राप्त करें। जो लोग ऐसा करते हैं, उनकी राजा गुरु के सदृश सेवा करें। भावार्थ, जो मनुष्य अपने से उत्कृष्ट अर्थात श्रेष्ठों को देख के प्रसन्न होते, अनुत्कृष्ट अर्थात दुखियों को देख के शोक करते, भोग युक्तों को देख के आनंदित होते और भोग रहितों को देख के अप्रसन्न होते, वे ही राज कर्मों में स्थिर होते हैं। भावार्थ, हे राजन, जो लोग नित्य मंगल आचरण करने वाले यश युक्त अनुरक्त अर्थात स्नेही शूरवीर और राज व्यवहार के जानने वाले आपको चितावें, उनको आप मित्र जानिए। भावार्थ, हे राजन, जो लोग नित्य प्रेम से न्याय और विनय के द्वारा राज्य की उन्नति करते और राजा और प्रजा के उपद्रव के बिना मंगल समय सदा ही प्राप्त कराते हैं, वे राजगृह में अध्यक्ष हों। भावार्थ, जब राजा सभास्थ जनों को पूछे कि इस अधिकार में कौन पुरुष रखने योग्य है, तब संपूर्ण जन धार्मिक योग्य पुरुष के नियत करने में सम्मति देवें और राजा को भी चाहिए
कि योग्य ही पुरुषों को राज कर्म में नियत करे, जिससे कि नित्य प्रशंसा बढ़े। भावार्थ, हे राजन, जो आप दुर्व्यसनों का त्याग करके धर्म संबंधी कर्मों को करें, तो हम लोग आपके भक्त निरंतर होवें। जो अन्याय करो तो आपका शीघ्र त्याग करें। भावार्थ, हे राजन, जो आपके राज्य के उपकार करने और सत्कार करने वाले हों, उनके ही मित्र और रक्षा करने वाले हुए चक्रवर्ती राजा होइए। अब कुमार और कुमारियों के शिक्षा विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे कुमार और कुमारियों, जैसे हम लोग माता पिता और आचार्य से उत्तम शिक्षा और विद्या प्राप्त होकर आनंदित होवें, वैसे आप लोग भी होइए। अब प्रजाजनों के रक्षा विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, प्रजाजनों को चाहिए कि सदा ही राजा को उपदेश देवे कि हे राजन, आपकी ओर से हम लोगों की रक्षा में धार्मिक आलस्य रहित पुरुषार्थी बलवान जन नियत हों। फिर राज विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे राजन, जो लोग अपने के सदृश अन्य जनों और आपके पदार्थ को जानते हैं और अपने आत्मा के सदृश अन्यों की रक्षा करते हैं, वे ही यथार्थ वक्ता आपके सेवक हों, जिससे कि शत्रुओं का बल नष्ट होवे। फिर प्रकारांतर से राज विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, सब नौकरों को चाहिए कि राजा के साथ मित्रता और राजा को चाहिए कि सब लोगों के साथ पिता के सदृश वर्ताव रखें और परस्पर एक दूसरे की प्रशंसा कर दोषों का नाश और सत्य नीति का प्रचार करके जिस जिस कर्म में लज्जा हो उस उसका त्याग कर चक्रवर्ती राज्य का भोग करें। भावार्थ, जो राजा और मंत्री जन परस्पर सम्मत हुए नम्रता से राज्य की शिक्षा करते हैं, तो द्वेष, निंदा और अधर्माचरण से अलग होकर उत्तम शिष्टाचार करते हुए दशों दिशाओं में यश को फैलाते हैं। इस सूक्त में राजा और प्रजा के कृत्य वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगत जाननी चाहिए। यह चतुर्थ मंडल में चतुर्थ सूक्त और तीसरे अष्टक में 25वां वर्ग और चौथा अध्याय समाप्त हुआ। अथ तृतीयाष्टके पंचमोऽध्यायः। ॐ विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। अब तृतीयाष्टक में पांचवें अध्याय और चतुर्थ मंडल में पंचम सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में अग्नि के दृष्टांत से राज विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो लोग सूर्य और बिजली के सदृश उत्तम गुणों के प्रकाश करने और जल के रोकने वाले पदार्थ के सदृश दुष्टों के रोकने वाले और अपने सदृश सुख दुख हानि और लाभ को जानते हुए राज्य करते हैं, वे दंड और न्याय को चला सकते हैं। फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, हे राजा और प्रजाजनों, जो अग्नि आदि के गुणों से युक्त और सबके लिए सुख देने वाला राजा उत्तम गुणों वाला होवे, उसकी निंदा और दुष्ट की प्रशंसा कभी मत करो। अब मेधावी पुरुष को क्या करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमावाचक लुप्तोपमा अलंकार है। वही श्रेष्ठ विद्वान है कि जो सबके लिए यथार्थ ज्ञान करावे। जैसे गौ के पैर के चिन्ह को खोज के गौ को प्राप्त होता है, वैसे ही पदार्थ विद्या प्राप्त करने योग्य है। अब सबको सुख करने वाले राज विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे प्रदीप्त अग्नि प्राप्त शुष्क और गीले पदार्थ को जलाता है, वैसे ही जो पुरुष अपने प्रयोजन साधक स्वार्थी और अन्य पुरुष के सुख नाश करने वालों को नाश करता है, वह प्रशंसित होता है। अब राज विषय में दंड विचार को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों,
जो स्त्री भाई के सदृश अनुकूल नहीं और जो अनुकूल हो तो शत्रु के सदृश विरोध करने वाली हो, और जो घोर पापी जन सबके पीड़ा देने वाले हों उनका दूर से त्याग करो। अब अध्यापक विषय को अगले मंत्र में कहते हैं, भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो अल्पज्ञ और विद्यार्थी जन ज्ञानी विद्वान के समीप से विज्ञान और धन के साधन की याचना करते हैं वे विद्वान होते हैं। अब विवाह परता से उपदेश विषय को अगले मंत्र में कहते हैं, भावार्थ जो कन्या अपने समान वर और ब्रह्मचारी अपने तुल्य कन्या के साथ विवाह करे तो अंतरिक्ष के मध्य में ईश्वर से स्थापित सूर्य चंद्रमा और नक्षत्रों के तुल्य शोभित होते हैं। अब प्रक्षक विषय को अगले मंत्र में कहते हैं, भावार्थ हे विद्वानों मेरी और इस जन को बुद्धि में वर्तमान चेतन क्या और कैसा है, जो पशुओं के पालन करने वाला जल के सदृश रक्षा करता और सबके प्रिय देख पड़ता है, जो आकाश में पक्षी के पैर के सदृश गुप्त है, उसके विज्ञान के लिए हम लोगों के प्रति आप लोग क्या करते हो। अब समाधाता के विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं, भावार्थ हे श्रोता जनों जो बुद्धि की प्रेरणा करके मंद और शीघ्र चलने वाला सत्य परमेश्वर के मध्य में प्रकाशमान बलिष्ठ बाज पक्षी के सदृश पराक्रम वाले बछड़े को सुख देती हुई गौ के सदृश सुख देने वाला वस्तु है, वही आप लोगों का स्वरूप है। भावार्थ जैसे अंतरिक्ष और पृथ्वी के मध्य में वर्तमान सूर्य उत्तम प्रकार शोभित है और जैसे विद्वान की वाणी विद्या का प्रकाश करने वाली है और जैसे अंतरिक्ष किसी से भी दूर नहीं है, वैसे ही उत्तम अपना आत्मा रूप वस्तु और परमात्मा समीप में वर्तमान है, ऐसा जानना चाहिए। भावार्थ हे मनुष्यों जो ब्रह्म सब स्थान में व्याप्त है और जिसमें संपूर्ण पदार्थ बसते हैं, उस सत्य स्वरूप का आप लोगों के प्रति मैं उपदेश करता हूँ, उसकी उपासना करो। फिर प्रक्षक विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं, भावार्थ हे विद्वानों हम लोगों में क्या यश क्या सुंदर वस्तु और कौन लोग हम लोगों की निंदा करने वाले और क्या शंका करने योग्य वस्तु और क्या प्राप्त होने योग्य स्थान है, इनके उत्तर कहो। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्य लोग यथार्थवादी विद्वान से मनुष्य के करने योग्य कर्मों और प्राप्त होने योग्य स्थान को पूछें कि आप सूर्य में प्रातः काल के सदृश हम लोगों को कब विद्वान करोगे, ऐसा पूछें। अब समाधाता के विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं, भावार्थ जो श्रोता लोग उपदेश से उत्तर को प्राप्त हुए संतुष्ट न होवें तो वे तब तक पूछें जब तक कि समाधान को प्राप्त होवें, तब उस कर्म का आरंभ करें। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो अच्छे रूपवान पृथ्वी के सदृश क्षमा आदि गुण वाले और प्रतिष्ठित चक्रवर्ती राजाओं की लक्ष्मी से शोभित हुए उत्तम प्रकार शिक्षित बड़ी बलवती बड़ी सेना को बढ़ाते हैं, उनका ही चक्रवर्ती राज्य संभावित होता है, औरों का नहीं। इस सुक्त में बुद्धिमान राजा अध्यापक उपदेशक प्रश्नकर्ता और समाधानकर्ता के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह पांचवां सुक्त और तीसरा वर्ग समाप्त हुआ। अब 11 ऋचा वाले छठे सुक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में विद्वानों के विषय को कहते हैं, भावार्थ हे मनुष्यों जो लोग विद्वानों के समीप से विद्याओं को प्राप्त होकर सबके रक्षा करने और बुद्धि देने वाले होवें, उन्हीं लोगों की प्रतिष्ठा करो। अब विद्वानों के कर्तव्य को अगले मंत्रों में कहते हैं, भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो मनुष्य सूर्य के सदृश प्रतापी अग्नि के सदृश दुष्टों के दाहक और न्याय और नम्रता से प्रजाओं में चंद्रमा के सदृश संग्राम में जीतने वाले राजा को संस्थापित करें तो कभी दुख को न प्राप्त होवें।
भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। उपदेशक लोग रात्रि और दिन में सबके करने योग्य सेवा का उपदेश देवें, जिससे कि शयन जागरण आदि से युक्त आहार और विहारों को करके अपने हितों को सिद्ध करने वाले होवें। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो लोग अहिंसा आदि कर्मों को कर और विद्वान होकर परोपकारी हों, वे अंतरिक्ष में सूर्य के सदृश उत्तम प्रकार प्रकाशित होवें। अब ईश्वर विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जिस परमात्मा का सब जगह प्रकाश और जिससे सब डरते हैं, उसके विज्ञान के लिए सत्य का आचरण और योगाभ्यास सबको करना चाहिए। अब ईश्वरता लेकर राजगुणों को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ जिस राजा की पक्षपात रहित प्रवृत्ति और जिसकी विस्तीर्ण नीति अविच्छिन्न वर्तमान है, उसके राज्य में कोई भी अपराध करने की इच्छा न करे। अब ईश्वर भाव में माता पिता के सेवा धर्म को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जिस पुत्र के विद्यमान रहने पर माता और पिता को दुख होता और सत्कार नहीं होता है, वह भाग्यहीन निरंतर पीड़ित होता है। और जिस पुत्र की उत्तम सेवा से माता पिता प्रसन्न होते हैं, उसकी प्रजाओं में प्रशंसा और उसको सुख होता है। फिर विद्वानों के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे अंगुलियों से संपूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं, वैसे ही रात्रि के पिछले प्रहर में उठ के प्रजाओं के हित को सिद्ध करो। तीक्ष्ण कुठार के सदृश दुखों को काट के युवा अवस्था विशिष्ट स्त्रियां शुद्ध मुख और दांत को करती उनके सदृश प्रजाओं को शुद्ध कर और सुख देकर द्विजों को विद्या के जन्म से युक्त करो। अब प्रजा के ईश्वर विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो लोग घोड़ों के सदृश अपनी अंगुलियों से कर्मों को करके ऐश्वर्य की वृद्धि करते हैं, वे दुखों से रहित होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जो लोग क्षमा से युक्त धर्म संबंधी कर्म के आचरण से प्रकाशमान उत्तम यश वाले घोड़े के सदृश कार्यकर्ता और बलवान हों, वे सत्कार करने योग्य होवें। भावार्थ हे विद्वान वा राजन, जो आपके लिए ऐश्वर्य की कामना करते हुए परमेश्वर और विद्वानों को नमस्कार करते हैं, वे निरंतर प्रशंसित होते हैं। इस सूक्त में विद्वान और ईश्वर के गुण वर्णन करने से इसके अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह छठवां सूक्त और पांचवां वर्ग समाप्त हुआ। अब एकादश ऋचा वाले सप्तम सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में सर्वगत अग्नि शब्दार्थ वाच्य व्यापक परमेश्वर के विषय को कहते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों, इस संसार में परमेश्वर ही का आप लोगों को ध्यान करना योग्य है, और जिसकी उपासना करके सांसारिक और पारमार्थिक सुख को प्राप्त होवोगे, वही ईश्वर इस संसार में पूजा करने योग्य जानना चाहिए। फिर अग्निपद वाच्य ईश्वर विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ हे परमेश्वर, हम लोग आपकी निरंतर प्रार्थना करें और आपकी कृपा से ये सब मनुष्य आपके भक्त, आपकी आज्ञा के अनुकूल और आपके उपासक कब होंगे। हे कृपालो अंतर्यामिन, दया करके सबको अपने में प्रीतिमान शीघ्र करो। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो लोग चेतना रहित कारण से युक्त प्रत्येक गृह के प्रकाश करने वाले को जानते हैं, वे सूर्य के प्रकाश में चंद्रादिकों के सदृश संसार में प्रकाशित होते हैं। अब अग्नि विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो सूर्य आदि से बिजली आदि पदार्थों को ग्रहण करते हैं, वे प्रजा के लिए सुख देने वाले होते हैं। भावार्थ जो लोग बिजली रूप अग्नि को सब पदार्थों से निकालना जानते हैं,
वे अत्यंत सुखी होते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य सर्व पदार्थों में अलग ही अलग वर्तमान अग्नि को तत्व से जानते हैं, वे सब काम साध सकते हैं। फिर अग्नि विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, हे बुद्धिमान पुरुषों, जो अग्नि शरीर आदि में और निद्रा में प्रसिद्ध होता है, वह बड़ा होने से सर्वत्र व्यापक है। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो बिजली रूप अग्नि संपूर्ण शिल्पी जन का दूत के सदृश प्रेरणा करने वाला अनादि काल से सिद्ध और संपूर्ण पदार्थों में व्याप्त है, उसकी उत्पत्ति और निरोध से बहुत कार्यों को सिद्ध करके ऐश्वर्य को प्राप्त होवो। अब विद्व विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, हे अध्यापक कृपालो, आप बिजली के तेज की विद्या का हम लोगों के लिए बोध कराइए कि जिस तेज से दूत के सदृश कार्यों को हम लोग करावें। भावार्थ, जो शिल्पजन पदार्थों से बिजली को उत्पन्न करें तो वह बिजली देखने योग्य पराक्रम और वेग को दिखा अनेक प्रकार के ऐश्वर्यों को देती है। फिर शिल्प विद्वान के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य बिजली और वायु आदि के योग की विद्या को जाने तो वे दूत और घोड़ों के सदृश दूर वाहन और समाचार को पहुंचा सकें। इस सूक्त में अग्नि और विद्वान के गुणों का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह सातवां सूक्त और सातवां वर्ग समाप्त हुआ। अब आठ ऋचा वाले आठवें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम द्वितीय मंत्र में अग्नि विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, यही बिजली रूप अग्नि दूत के सदृश कार्यों को सिद्ध करने वाला है, ऐसा आप लोग जानो। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो बिजली रूप अग्नि श्रेष्ठ भोग और गुणों का दाता सूर्य का भी सूर्य और सबका धारण करने वाला व्याप्त है, उसको जान के कार्यों को सिद्ध करो। फिर अग्नि के विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, संपूर्ण पृथ्वी आदि श्रेष्ठ पदार्थों के बीच जो अग्नि देव हैं, उससे इन सब ऐश्वर्यों का देने वाला बड़ा देव जानो। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो संपूर्ण पदार्थों के मध्य में वर्तमान और दूत के सदृश कार्यों को सिद्ध करता है और सूर्य आदि को प्रकाशित करता है, वह अवश्य आप लोगों को जानने योग्य है। अब अग्नि विद्या के जानने वाले विद्वान के विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य अग्नि आदि पदार्थों की विद्या की प्राप्ति के लिए बहुत खर्चते हैं, वे सब के सब प्रकार सब सुखों से पुष्ट हुए आनंदित होते हैं। भावार्थ, मनुष्य जब तक अग्नि आदि पदार्थों की विद्या का श्रवण और सेवन नहीं करते हैं, तब तक धनाढ्य और पूर्ण बल वाले हो नहीं सकते हैं, और जैसे सुख से सोते हुए आनंद को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार अग्नि आदि विद्या को प्राप्त हुए दारिद्र का नाश करके धन और बल से सदा ही सुखी होते हैं। अब विद्वानों के पुरुषार्थ का फल कहते हैं। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि सदा ही पुरुषार्थ से धन, अन्न, राज्य, प्रतिष्ठा और विद्या आदि उत्तम गुणों की उन्नति होती है, इस प्रकार निरंतर इच्छा करनी चाहिए। भावार्थ, जो विद्वान लोग अग्नि आदि विद्या के प्रयोगों से मनुष्य के दारिद्र का नाश करके ऐश्वर्य के योग को उत्पन्न करते हैं, वे ही सब लोगों को सत्कार करने योग्य और सब में भाग्यशाली होते हैं। इस सूक्त में अग्नि और विद्वान के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह अष्टम सूक्त और अष्टम वर्ग समाप्त हुआ। अब आठ ऋचा वाले नौवें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में अग्नि के सदृश होने से विद्वान का सत्कार कहते हैं। भावार्थ, जो पुरुष विद्वानों के संग से विद्या की कामना करता और विद्या को प्राप्त होकर मनुष्य आदिकों को सुख देता है, वही आसन आदि से प्रतिष्ठा देने योग्य होता है। फिर उसी विषय
को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ, जो विद्वान लोग सब लोगों के सुख साधक, विद्या के देने वाले और मनुष्यों को धर्म के आचरण में प्रवेश कराने वाले स्वयं धार्मिक होवें, वे संसार में दुर्लभ हैं। भावार्थ, जहाँ पवित्र आनंद युक्त और विद्या आदि के देने वाले लोग हैं, वहीं संपूर्ण विनय होता है। अब विद्वानों के गुणों को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ, जो मनुष्य अग्नि के सदृश पवित्र विद्या वाले और चारों वेदों के ज्ञाता और भी उत्तम कर्मों के करने वाले गृह के स्वामी होवें, वे ही श्रेष्ठ अधिकारों में वर्तमान होवें। भावार्थ, जो उपदेश देने वाले लोग धर्म के उपदेश देने वालों को उत्पन्न करते और उत्तम प्रकार शिक्षित और उपदेश देने के लिए प्रवृत्त करके मनुष्यों को बोध कराते हैं, वे ही संसार के कल्याण करने वाले होते हैं। अब राज विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ, हे राजा लोगों, जो पूर्ण विद्या युक्त बहुत बोलने वाले स्नेही और धार्मिक जन हैं और जो लोग राज्य के व्यवहार को धारण कर सकते हैं, उन शूरवीर मित्रों को समाचार प्रापक बना और राज्य के समाचारों को जान के विशेष प्रबंध करो। भावार्थ, हे राजन, जिससे कि आप हम लोगों की रक्षा करने वाले प्रिय हैं, इससे अर्थी अर्थात मुद्दई और प्रत्यर्थी अर्थात मुदालय के वचनों को सुन के निरंतर न्याय विधान करो। अब प्रजा विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ, हे राजन, जिन साधनों और दृढ़ राज सेना के अंगों से प्रजा का सब प्रकार रक्षण होवे, वे ही हम लोगों से भी प्राप्त करने योग्य हैं। इस सुक्त में अग्नि, राजा, प्रजा और विद्वानों के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह नवम सुक्त और नौवां वर्ग समाप्त हुआ। अब आठ ऋचा वाले दसवें सुक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में अग्नि शब्दार्थ विषयक विद्वद विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्य जैसे घोड़े से मार्ग को शीघ्र जा सकते हैं, वैसे श्रेष्ठ बुद्धि को प्राप्त होकर मोक्ष मार्ग को शीघ्र पाने के योग्य हैं। अब राज विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ, राजा को चाहिए कि संपूर्ण बल और विज्ञान से सज्जनों का रक्षण और दुष्ट पुरुषों का ताड़न करके सत्य न्याय की उन्नति निरंतर करें। अब प्रजा विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो राजा लोग बल, बुद्धि और सज्जनों के संग उत्तम रक्षा कर और वृद्धि करा के प्रजा का पालन करते हैं, वे सूर्य के सदृश प्रकाशित, यशयुक्त, सदा आनंदित होते हैं। अब अमात्य विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ, हे राजन, जो आप बिजली के तुल्य मंत्रियों की रक्षा करके हम लोगों की पालना करें, तो हम लोग आपकी प्रजा हुए आज से लेकर आपकी निरंतर प्रशंसा करें और बहुत धनादि संपत्ति देवें। भावार्थ, हे राजन, जो दिन रात्र के प्रबंध देखने, अन्याय का विरोध करने और न्याय की प्रवृत्ति करने वाला दूत वा मंत्री होवे, वही पहले सत्कार करके रक्षा करने योग्य है। अब प्रजा विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ, हे राजन, जो सूर्य के सदृश तेजस्वी, धनयुक्त, कुलीन, पवित्र, प्रशंसित, अपराध रहित, श्रेष्ठ शरीर युक्त, विद्या और अवस्था में वृद्धि होवे, वे आपके और आपके राज्य के रक्षक हों और आप उन लोगों की सम्मति से वर्तमान होकर अधिक अवस्था युक्त होइए। फिर राज विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ, हे राजा आदि मनुष्यों, आप लोग शत्रु और मित्रों के उत्तम गुणों को ग्रहण करके सुखों को प्राप्त होइए। भावार्थ, जो राजपुरुष परस्पर मित्रता करके प्रजाओं में पिता के सदृश वर्तमान हैं, उन लोगों के साथ जो राजनीति का प्रचार करता है, वही सर्वदा राज्य भोगने योग्य है।
इस सुक्त में अग्नि राजा मंत्री के कृत्य वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह चतुर्थ मंडल में दसवां सुक्त प्रथम अनुवाक तृतीय अष्टक के पांचवें अध्याय में दसवां वर्ग समाप्त हुआ। अब अग्नि की सदृशता से राजगुणों को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो राजा उत्तम प्रकार शिक्षित सेना उत्तम गुणों और ऐश्वर्य के सहित प्रजाओं का पालन करता और दुष्टों को पीड़ा देता है वह चंद्र और सूर्य के सदृश सर्वत्र प्रकाशित होता है। फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, हे राजन, आप जितेंद्रिय हो, आप बुद्धि को प्राप्त होकर कर्म से प्रारंभ किए हुए कार्य को समाप्त करो और संपूर्ण विद्वानों के सहित पूर्ण विज्ञान और प्रजाओं के लिए सुख दीजिए। भावार्थ, हे राजन, जो आप विद्वान जितेंद्रिय और न्यायकारी होवें तो आपके अनुकरण से संपूर्ण मनुष्य सत्य आचरण में प्रवृत्त हो और ऐश्वर्य को प्राप्त होकर संपूर्ण प्रजा का हित साध सकें। अब अग्नि संबंध में विद्वानों के गुणों को कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो आप लोगों के पुरुषार्थ से बिजली आदि स्वरूप अग्नि विद्या से प्रसिद्ध होवे तो बहुत भार वाले वाहन का पहुँचाने वाला सुख का हेतु और धन उत्पन्न कराने वा शीघ्र ले चलने वाला होवे। फिर अग्नि विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, जो लोग विद्वान होकर गृहस्थों को बोध सबके संतानों को ब्रह्मचर्य से उत्तम शिक्षा और विद्या ग्रहण करा के तथा अविद्या आदि दोषों को दूर करके शम दम आदि उत्तम गुणों से युक्त करते हैं वे ही इस संसार में सुंदर होते हैं। भावार्थ, यह हम लोग निश्चय करते हैं कि जो लोग हम लोगों को अधर्मी और दुष्ट बुद्धि वाले पुरुष से दूर करते हैं वे ही दिन रात्रि हम लोगों के सत्कार करने योग्य हैं। इस सुक्त में अग्नि राजा विद्वान पुरुष के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 11वां सुक्त और 11वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 6 ऋचा वाले 12वें सुक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में फिर अग्नि सादृश्य होने से विद्वानों के विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे विद्वानों, जो लोग आपके लिए ईश्वर ज्ञान बड़े विहार की विद्या और उत्तम बुद्धि को सब काल में देते हैं वे यश और धन से युक्त करने चाहिए। फिर अग्नि के सादृश्य से राजगुणों को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, हे राजन, जो आपके सेनाध्यक्ष और न्यायाधीश विद्या विनय और धर्म आदि से प्रकाशमान हुए अपनी प्रजाओं का पालन करते और दुष्ट शत्रुओं का नाश करते हुए विजय को प्राप्त होते हैं उनके लिए आपको चाहिए कि बहुत प्रतिष्ठा और बहुत धन देकर दिन रात्रि धर्म अर्थ काम मोक्ष की उन्नति करें। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य सूर्य और बिजली के सदृश राज्य और ऐश्वर्य की उन्नति करते हुए यश को विस्तारते हैं वे सबसे सब प्रकार सत्कार को प्राप्त होते हैं। भावार्थ, हे राजन, जो कदाचित अज्ञान व प्रमाद से हम लोग अपराध करें उनको भी दंड के बिना क्षमा न कीजिए और हम लोगों को उत्तम शिक्षा से धार्मिक करके पृथ्वी के राज्य के अधिकारी करिए। फिर विद्वानों के गुणों को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जैसे हम लोग विद्वानों के समीप स्थित हों और शिक्षा को प्राप्त होकर पाप स्वरूप कर्म का त्याग कर अन्यों का भी त्याग करें करावें सबके मित्र होकर कुमार और कुमारियों को उत्तम शिक्षा देकर और संपूर्ण विद्या प्राप्त करा के सुख युक्त करें वैसा आप लोग भी आचरण करो। इस सुक्त में अग्नि राजा और विद्वान के गुण वर्णन से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 12वां सुक्त 12वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 5 ऋचा वाले
13वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में सूर्य के सादृश्य से राजगुणों को कहते हैं भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है, जो वायु, बिजली और सूर्य के गुणयुक्त पुरुष प्रजाओं का पालन करते हैं। वे उस सत्य न्याय से बहुत रत्नों के कोष को प्राप्त हैं। अब सूर्य लोकादिकों के निमित्त कारण को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। इस सृष्टि में परमात्मा ने जैसे सूर्य की उत्पत्ति से जल, अग्नि और पवन रचे, वैसे ही पृथ्वी आदिकों के भी निमित्त कारण रचे, यह जानना चाहिए। भावार्थ, हे मनुष्यों, जैसे किरणें सूर्य को अंधकार से दूर करने के लिए धारण करते हैं, वैसे ही संपूर्ण जगत की अविद्या दूर करने के लिए और विद्या की रक्षा करने के लिए सब प्रकार सत्य के उपदेश को करो। अब सूर्य दृष्टांत से विद्वानों के गुणों को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे उपदेशक, जैसे सूर्य प्राप्त कराने वाले किरणों के आकर्षणादिकों से अपने प्रकाश का विस्तार करता हुआ, चर्म से देह के सदृश ढांपता हुआ अंतरिक्ष के मध्य में विहार करता है, वैसे ही अविद्या का नाश और विद्या का प्रकाश करके इस संसार में विचरिए। अब सूर्य मंडल प्रश्नोत्तर पूर्वक विद्वानों के गुणों को कहते हैं भावार्थ। हे विद्वन, यह सूर्य अंतरिक्ष के मध्य में स्थित हुआ क्यों नीचे नहीं गिरता है, किससे चलता है और कैसे प्रकाश का धारण करने वाला और सुखकारक होता है, इस प्रश्न का उत्तर। परमेश्वर ने स्थापित और धारण किया, इससे नीचे नहीं गिरता है और अपने समीप वर्तमान भूगोलों के साथ अपनी कक्षा में चलता हुआ वर्तमान है और संपूर्ण समीप में वर्तमान पदार्थों के आकर्षण से धारण करता और परमेश्वर की व्यवस्था से सुखकारक वर्तमान है, यह जानना चाहिए। इस सूक्त में सूर्य और विद्वानों के गुणों का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 13वां सूक्त और 13वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 5 ऋचा वाले 14वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में अग्नि सादृश्य से विद्वानों के गुणों का उपदेश करते हैं भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जो जैसे सूर्य प्रातः काल से शोभित होता है, वैसे ही सत्य के उपदेश से, रथ से, मार्ग के सदृश विद्या के सुख को प्राप्त कराते हैं। वे इस संसार में कल्याणकारक होते हैं भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो विद्वान लोग संपूर्ण विद्याओं को पढ़कर ब्रह्मचर्य और योगाभ्यास से ज्ञान को प्राप्त होकर किरणों से सूर्य के सदृश जनों के अंतःकरणों को उपदेश से उज्जवल करते हैं, वे ही सबको सत्कार करने योग्य होते हैं। अब विदुषी के गुणों को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो सुंदर प्रिया उत्तम लक्षणों से युक्त अद्भुत रूप वाली पतिव्रता स्त्री पुरुष को प्राप्त होवे, वह प्रातः काल के सदृश कुल का प्रकाश करती हुई और संतानों को उत्तम शिक्षा देती हुई सबको आनंद देती है। अब स्त्री पुरुष के गुणों को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ। हे स्त्री पुरुषों, आप लोग यदि रात्रि के चौथे प्रहर में उठ और आवश्यक कृत्य करके वाहन वा पैरों से सूर्योदय से पहले शुद्ध वायु देश में भ्रमण करें, तो आप लोगों को रोग कभी न प्राप्त होवें, जिससे कि बलिष्ठ और अधिक अवस्था वाले हुए इस गृहाश्रम में बड़े आनंद को भोगो। फिर विद्वानों के गुणों को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ। हे विद्वन, जीव यह नीचे की दशा को किसी रीति से न प्राप्त होवे, जो अविद्या आदि बंधन का त्याग करे तो किस कर्म से सुख को प्राप्त होता है, जो धर्म का अनुष्ठान करे कौन कामनाओं से पूर्ण होता है, जो परमात्मा को देखे। इस सूक्त में अग्नि, विद्वान, स्त्री और पुरुष के कृत्य वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 14वां सूक्त और 14वां वर्ग समाप्त हुआ।
अब दश ऋचा वाले 15वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में अग्नि विषय को कहते हैं भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे अग्नि सूर्य रूप से सब व्यवहारों को प्राप्त कराता है, वैसे ही विद्वान संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कराता है। अब अग्नि विद्या विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे उत्तम सेना से युक्त सेनाध्यक्ष पुरुष 3 प्रकार के सुख को प्राप्त होता है, वैसे ही अग्नि विद्या का जानने वाला शरीर आत्मा और इंद्रियों के आनंद को प्राप्त होता है। फिर अग्नि विषय का वर्णन अगले मंत्र में करते हैं भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे देने वाले अन्यों के लिए उत्तम वस्तुओं को देते हैं, वैसे ही अग्नि क्योंकि दूसरे को सुख देने के लिए अग्नि के गुण होते हैं। अब राज विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ। हे राजन, जो लोग बड़े संग्राम में तेजस्वी भय रहित आगे चलने वाले और शत्रुओं के नाश करता नौकर हों, उनका ही आप पुत्र के सदृश पालन करो। भावार्थ, सेनापति को चाहिए कि उन्हीं पुरुषों को सेना में भर्ती करे कि जो लोग शत्रुओं को जीत सकें। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो मनुष्य घोड़ों के सदृश संतानों को शिक्षा देते हैं, वे नित्य सुख को बढ़ाते हैं। अब अध्यापक विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ। जब कुमार और कुमारियां माता और पिता से शिक्षा को प्राप्त हुए आचार्य के कुल को जामें, तब आचार्य के प्रिय आचरण और विनय से उसकी प्रार्थना करके विद्या की याचना करें। जो ऐसा करे वह श्रेष्ठ घोड़ों से युक्त रथ को जैसे वैसे विद्या के पार को जावे। अब अध्येत्र विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ। जब विद्यार्थी और विद्यार्थिनी पढ़ने के लिए जावे, तब उनको चाहिए कि प्रतिज्ञा करें कि हम लोग धर्मयुक्त ब्रह्मचर्य से आपके अनुकूल वर्ताव करके विद्या का अभ्यास करेंगे और मध्य में ब्रह्मचर्य व्रत का न लोप करेंगे। और अध्यापक लोग यह प्रतिज्ञा करें कि हम निष्कपटता से विद्या दान करेंगे। अब अध्यापक और उपदेशक विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ। अध्यापक और उपदेशक ऐसा प्रयत्न करे कि जिससे धार्मिक अधिक अवस्था वाले और विद्वान पढ़ने वाले होवें। भावार्थ, हे विद्वानों और विदुषियों, आप लोग पढ़ाने के लिए प्रवृत्त हों और उत्तम शिक्षा करके और विद्या के योग को संपादन करके सब श्रेष्ठ पुरुषों को बहुत काल पर्यंत जीने वाले करो। इस सूक्त में अग्नि, राजा, अध्यापक और पढ़ने वाले के कर्मों का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 15वां सूक्त और 16वां वर्ग समाप्त हुआ।